आजिम के साथ दूसरा समय इसमें तेजी लाए। पैसे रन समय आकर अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अपनी टीम को बचाया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन अरबाज नाम का एक बल्लेबाज बड़ा अच्छा है इस टीम में, जो सुल्तान सिंह होम का बल्लेबाज है। 4000 के बल्लेबाजों के लिए खुशखबरी यह है कि सना मोटर आयाज साहब मौजूद हैं। वोटर जितना छक्का लगाएगा खंडवारी उतना 100 रुपए की इनाम दिया जाएगा, हर छक्के पे 100 खंडवारी के लिए। लेकिन जो स्ट्राइक का है ये बल्लेबाज यूसुफ सुल्तान के हर छक्के पे आसिफ साहब 100 रुपए की इनाम देंगे, आसिफ 100 रुपए की इनाम देंगे। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वसमा पांड्या, और ये जरूर ड्राइव अच्छा ड्राइव किया है, इसकी रेफिल्डर मौजूद है वहां पर, एक मिल जाएगा। स्कोर का आगाज किया है बिना पारा और मतलब मुकाबला किसका है उसका तात्र वाले। चलो बहुत अच्छा हुआ माहौल वर्सेस खुरासों का, बहुत अच्छा लगा, जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा खेली है माहौल की टीम। आसिफ स्ट्राइक पे तैयार वसामा और फुल टॉस के लिए थी, फील्डर भी विकेटकीपर भी चुका है, लेकिन एक रन मिल जाएगा इसी के साथ इसको जब पहुंचाए। अब यहां पर तो ये इलीगल डिलीवरी थी, 4-4 का मुकाबला। बेहतरीन ड्राइव किया यहाँ पर, एक रन जरूर लेकर के दिए के साथ जा पहुंचा है टीम। टीम कैप्टन प्रधान बिल्डिंग मटेरियल हसनपुर यानी जागापुर, और टीम कैप्टन साकिब इलेवन जयराजपुर टास्कर वाले। अगले राउंड का जयराजपुर साकिब इलेवन और प्रधान बिल्डिंग मटेरियल आके टास्कर वाले, जल्द अज जल्द अच्छी गेंद की सहल कैसे खेला गया यहाँ पर, एक रन जरूर मिला है लिखवाई के शक में, एक रन के साथ स्कोर जब पहुंचा। अब यहाँ पर 4 वसामा पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। कल दोस्त फाइनल रात होगी, कल की रात कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, ट्रॉफी को कौन लेके जाएगा, कैश प्राइज कौन लेके जाएगा यह देखा जाएगा, लेकिन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। एक मौका फिर स्लोवर किया था, बांध के रख दिया बल्लेबाज को, बेचैन रहे बल्लेबाज लेकिन कामयाब नहीं हुई, बीट करने में कामयाब रहे। तो दरअसल भारी भरकम शरीर के ये खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ जयराजपुर साकिब इलेवन अब्दुल रहमान आ चुके हैं। तबरेज भाई आ जाइए टॉस के लिए, तबरेज भाई आइए टॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब आ चुके हैं सामने, आ रहमान साहब सामने आ जाए अब्दुल रहमान साहब। और फिर ये ऊंचा बड़ा मजबूत छक्का लगाया है, बेहतरीन किसी छह के साथ इसको जब पहुंचा है। अब यहाँ पर 100 रुपए की इनाम मिलेगा आसिफ की तरफ से। टॉस जीता है ताकि जयराजपुर बल्लेबाजी करेगा, प्रधान इलेवन प्रधान बिल्डिंग कर गेंदबाजी करने की दावत दी गई है, अतहर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा अभी नारा खटवारी के खिलाफ, पहले ओवर में 10 रन बनाया वसा माके, आखिरी गेंद पे एक लंबा छक्का लगाया। तो बिना पारा का दोस्त लगातार टूर्नामेंट खेलना चाहिए, लेकिन एक अहम जगह टूर्नामेंट खेलता है और फिर घूम कर जरूर मिलेगा। वॉलीबॉल तो बहुत खेलता है बिना पारा, लेकिन क्रिकेट कम खिलाड़ी से ये लग रहा है एहसास है कि अगर ये खेलेंगे लगातार कोविंद का दोस्त ने तजुर्बा होगा तो ये अच्छी टीम बन सकती है बिना पारा। स्कोर के साथ ही 11 रन मसरफ भाई बेरियागंज पूरा मजा ले रहे हैं, रात की नसीरपुर का मुकाबला कब होगा, तैयार हो रहे हैं अतहर, अतहर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। तमाम बड़े बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। एक मौका फिर ऊंचा स्टोर हवा में खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, वसामा काफी रनिंग की, काफी लंबी रनिंग और कैच नहीं कर पाए, 2 रन पूरा किया है। और ये दोस्त वजन ज्यादा है बॉडी का, इसलिए कहें रुकिए रुकिए बस 2 रन लेने दीजिए, वरना 3 रन यहाँ पे था। इसी 2 के साथ इसको जब पहुंचाए अब यहाँ पर 13 रन, स्कोर 13 रन है, बहुत लंबी रनिंग की थी यहाँ पे। ये पांड्या का दोस्त कैच नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन वहां पे जो खिलाड़ी हलीम थे वो कैच इसको कर सकते थे, लेकिन अपने आप को रोक दिया क्योंकि वसामा आ रहे थे। हाजिक अपार कमेंट बॉक्स में आ जाए, फिलहाल अकबर आपको बुला रहे हैं, हाजिक और अपार।
करेंगे, लेकिन सिक्स फटके हैं व्हाइट बॉल का इशारा इसको एक के साथ पहुंचा है। अब यहां पर चौदह यूसुफ सुल्तान अगर चार रन दौड़ के पूरा करेंगे तो 500 रुपए की इनाम आसिफ साहब देंगे, आसिफ दो 500 रुपए की इनाम देंगे। तैयार फिर तो पहुंचेंगे करेंगे और ये बेहतरीन स्टॉक बिल्कुल गेंद को देख कर बल्ला चलाया है अतहर को, रात में भी सूरज दिखा दिया है। इसी छह के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहाँ पर 30 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है बिना पारा, जोरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है बिना पारा अतहर को, जबरदस्त मैं दिख रहा हूँ स्टॉक खेलने के मजबूर कर दिया, सूरज ने मजबूर किया है ये बेहतरीन स्टॉक ने अतहर को फंसा चुकी है। इसके बाद जो मुकाबला होगा जयराजपुर और जागरपुर, टॉस जीता है जयराजपुर, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कस्बा माहौल कभी कभी कर लेता है और माहौल की टीम दोस्त मैच जमा बैठी है अपना पहला। सुल्तान नर्सिंग होम मुकाबला जीती है, तैयार है अतादवा शुरू किया, फिर तो पहुंची गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद थी मतबाद गेंद थी उसे खेला है सवाल लेकर जाने भी मिलेगा दूसरे की मांग खेल की एक के साथ 21 हाँ भाई हेलो ना दौड़े ना दौड़त ना रहे लड़कों ने भेजत रहे नहीं नहीं भाई खाना उना खाए है बढ़िया है। और हमारे कहा कि खेला गया है एक रन के लिए स्कोर थी एक के साथ पहुंचा यहाँ पे 22 स्कोर जब पहुंचा नहीं नहीं वो लड़कों के काम कर रहा है 4+4 का मुकाबला है। इसके बाद बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है जो मजबूत टीमें आपके सामने आई जाकरपुर जो प्रधान बिल्डिंग मटेरियल के मध्य मुकाबले साथ मिले हुए जयराजपुर है। हम लोग जितना सोच रहे उसे अच्छे खेले आउट कर थोड़ा बहुत गलती गई उसे धीरे धीरे मोहम्मद के दुई बार बनत रहा के तैयार यूसुफ के विकेट पर पहुंचे और ये पटके हुए भैया आजमगढ़ में होता रशीद व्हाइट बॉल की कौर रणजी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचाए। अब यहां पर 23 रन की बेहतरीन ये खेल यहां पर चल रहा है बिना पारा, एक नई नवेली टीम जरूर लेकिन खंडवारी जैसी बजी हुई टीम को कड़ी टक्कर दे रही है बल्लेबाजी में। इसरौली आज है कि नहीं है बल्लेबाजी में तैयार हो रहे हैं मुताहिर अतहर जमा शुरू किया नहीं भाई मैं ना खेल रहा हूं और डिलीवरी थी बीट करने में कामयाब रहे और बिहाइंड की अपील की गई है वहां पर लेकिन अंपायर पर अभी तक कोई असर नहीं। ये दौर वालेकुम अस्सलाम असीम भाई तो ओवर की बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए इस तरफ तीसरा बार खुद लेके आ रहे हैं और समा पांडे वालेकुम अस्सलाम भाई। ये कल इसके फाइनल रात होगी कौन होगा चैंपियन, अभी आज नसीरपुर का मुकाबला है, ढंडवारा का मुकाबला है, सुल्ताना नर्सिंग होम का मुकाबला है। आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों कैसा तरह है, ये चार टीमें हैं बड़ी मजबूत टीमें दोस्त अभी हैं। आज ये ढलती हुई रात में अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे, जरा सा पता पर क्रिकेट खेला जाए दोस्तों बेहतर होगा। तैयार है यहाँ पर मुताफिर वसा दौड़ शुरू किया आप पहुंचे गेंद करेंगे और ये फिर वहां पे खेला है आतिफ बड़ी आसानी के साथ ई करने जाएगा स्कोर 24 के वेले में जयराजपुर का मुकाबला जाएगा। रहता हूँ कमेंट नहीं करता बिल्डिंग मटेरियल असल में अजीम भाई के ना ओपन में ज्यादा मजा आ रहा है बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फाइनल आज नहीं होगा भाई फाइनल कल है इस टूर्नामेंट का आरपीएस का जिस इसरौली कल आएगी और ये भारी भरकम शरीर का बल्लेबाज खूब रन बटोर रहा है यूसुफ सुल्तान इसी छह के तारीख को जब पहुंचा है तीस रन। अब बाल खिलाने लगे हैं वसावा पांड्या, ये एंड्रू साइमन कहां से आ गया है जो लगातार लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रहा है स्कोर 30 रन। ऑस्ट्रेलियन एंड्रू साइमन के भी रोज मैं देख रहा हूं इसी तरह से वजन ज्यादा था लेकिन अच्छे छक्के लगाते थे, तभी ये क्या करेंगे वसावा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, अगर उठती हुई गेंद कर रहे हैं तो अच्छा पुल कर रहे हैं, वर्किश कर रहे हैं तो सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, तो गेंद करेंगे तो कौन करेंगे देखा जाएगा। वसावा के पास एक लंबा तजर्बा है क्रिकेट का, तैयार दोनों शुरू किया आप तो पहुंचे गेंद करेंगे एक और अच्छी गेंद की जिसने गेंद की पैर पर गेंद किया था लेकिन एक रन में जाएगा लिख भाई के शक्ल में इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31-41। बेहतरीन क्रिकेट ये आपके सामने है आरपीएस कप का नाम दिया गया है ब्रेक ऑफ ट्रॉफी है और इसमें कैच अच्छे हैं और खुद अच्छे हैं दोनों ब्रॉक का जो ट्रॉफी करवाया है और ये
हलीमा लाइट एंड टेंट हाउस बड़ी खूबसूरत लाइटिंग दी है यहाँ पर, सब कुछ बेहतर है। और बेहतर में मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छे तमाशाई भी पवन के साथ जुड़ी है। मसरफ भाई बिलियागंज तैयार हो रहे हैं ये बाजी करने के लिए। वसामा करेंगे और फिर लेके सिक्के फटके हैं यहाँ पर। वसामा एक ओवर में जाएगा, इसको एक के साथ जब पहुंचाया यहाँ पर 32 रन 32। अगर 50 पचपन बना लिया फिर खटवारी को भी कब्जे में ला सकती है क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है, बिना पारा की गेंदबाजी अच्छी है। और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। आतिफ और यूसुफ सुल्तान, और ये आतिफ खेला है, कैच की संभावना बन गई है और वहां पर मौजूद थे शिव कुमार सोनी। प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स, शिव कुमार सोनी आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, आपका इंतजार किया जा रहा है। बल्लेबाज का नाम बता दें जीशान, पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। जीशान के तौर से बल्लेबाजी करेगा, रन बनाने होंगे, रन बनाने होंगे तब जाके खटवारी जैसी मजबूत टीम का सामना कर सकते हैं। वरना सरफराज, अदनान, वसामा, उमर, अब्दुल रहमान ये लोग बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं अपनी टीम के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और यहां पर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वसामा, 7 नंबर किट पहने हुए हैं वसामा। और ये पूरे पूर्वांचल को या पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट घूम कर खेलते हैं और फिर मतवाल जरूर खेलना चाह, लेकिन गलत रन फील कर लिया। अभी गुजरात से खेल कर आए हैं वसामा और सलमान और राजापुर सिकरा और मिक्स मुकाबले को खेल रहे हैं। भारत ट्रेडर जो है आपका स्वागत कर रहा है इस कॉमेंट मिक्स में जुड़ा हुआ भारत ट्रेडर मौजूद शेख जो कह रहे हैं आर टाइप ऑफ गारमेंट ऑनली होलसेल लाहिड़ी बाजार में है। डॉक्टर अहमद जलाल साहब भी मैं देख रहा हूँ जो आज और कल 2 तारीख को फ्री कैंप लगाया था इलाज के लिए, जो भी चाहे फ्री कैंप जाकर इलाज करवा सकता है। जर्मन हॉकी बैच के सातों मिला है, तीसरे की मांग करेंगे, अगर 4 दौड़ को पूरा करेंगे तो 500 मिलेगा, लेकिन नहीं भैया 2 रन के बाद थक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्त कि खिलाड़ियों का मोटापा, इंसानों का बुढ़ापा और औरतों का हरापा होना बहुत मुश्किल है दोस्त, बहुत दिक्कत में डाल देता है। खिलाड़ी अगर दोस्त मोटा हो जाएगा तो दोस्त वो दौड़ने में दिक्कत आएगी। और कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाए, हर कोई चाहता मैं हमेशा जवान रहूं। ये 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन। अच्छी गेंदबाजी किया था, आप गेंदबाज आ रहे हैं हलीम, हलीम की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, देखा जाएगा। एक तेज राइट आर्म तेज बॉलर है और इन्हें वर्ष में यह गेंद मिला है। इनके वालिद भी एक अच्छी क्रिकेटर के थे, अख्तर भाई जो बहुत प्यारा क्रिकेट हमेशा मिला जब टीम चरम पे थी सीजन बाल से, लेकिन अब ये खंडवारी को हो गए हैं और इसी टीम से खेल रहे हैं और तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं। शिव कुमार सोनी अगर आपका दावा बहुत ही कभी जाकर मिलने पहुंचे और ये बहुत अच्छा डिलीवरी, रफ्तार भी है, लेंथ भी है, अच्छा एक्शन भी है। एपीएल में दोस्त हो सकता है जो भी वहां पे बिल्कुल क्लीन एक्शन वाले के पास दिखेंगे, तो इसके पास क्लीन एक्शन है, कहीं से कोई संदिग्ध नहीं है एक्शन में। ये बाजी कर रहे हैं हलीम और इस बाजी किस तरह से करेंगे, सामने बड़े भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज, उन्हें मालूम है कि कहां पे गेंदबाजी करनी है। हलीम को दौड़ा शुरू किया, एक मरतबा फिर पक ऑफ किया, फिर पहुंचे गेंद करेंगे और एक मरतबा शानदार ब्लिंग गेंद किया था, खेला है कैच की संभावना, वॉट जादो की कैच है या नहीं देखा जाए। दोनों अंपायर दिख रहे हैं लगातार उसको देख रहे हैं, अब ये दोनों अंपायर आपस में बात करेंगे। अबू फटेरा और आउट आउट, ये उंगली उठ गई है, शानदार कैच, कैच ऑफ द नाइट, कैच ऑफ द नाइट या कैच ऑफ द गवर्नमेंट कहूंगा दोस्त कि टाइम लगाते हुए जमीन पे लेकिन कैच को नहीं गिरने दिया। नए बल्लेबाज का नाम बता दें तो जैसे दुई नाम सवारी कर पे तो बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही शानदार कैच। अगर ये अच्छा असल में वो अभिन बना है और ऊपर चलत है, अब जिसे पे चल चुका है फिर बंद बहुत सीजन हुआ फिर वो बवा भैया स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा है, यहाँ पर नेटवर्क बहुत खराब है। तैयार है मुताफिर हलीम अब पास किया, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए विकेट पहुंचे गेंद करेंगे रफीक को, एक और ऑफ द डिलीवरी सही तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं
वही निशाना वही जगह पे जहाँ पे वो कहा जाता है कि बल्लेबाज डबल माइंड होता है कि गेंद को खेलूं या छोड़ दूं, लेकिन ये फटाफट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। बल्ला ऊपर गेंद नीचे सीधे पहुंची विकेट कीपर उस्तामा के क्लब से। नहीं भैया आपके यहाँ नेटवर्क ही नहीं है यार अंजला भाई, नया नेटवर्क की हालत किसी से भी कितनी मुश्किल से वो एयरटेल वाला किस कान के चला रहा है जो लाइव चल जा रहा है। बहुत ऊंचा स्कोर खेला है, गेंद के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। स्कोर 40 बिल्कुल रेंज में गेंद मिल गई थी बल्लेबाज को और जड़ दिया छक्का मिल गया पौका, जड़ दिया छक्का। ये रात धीरे धीरे ढल रही है, रात बड़ी तेजी के साथ जा रही है। क्या टीवी मैसेज दे रही है कि आरपीएस कप का कल फाइनल खेला जाएगा। आरपीएस कप को 2023 का फाइनल आने वाली रात में खेला जाएगा और 40 का दोस्त आने वाली रात में शायद हाजिर ना हो क्योंकि उनका पीरियड का पेपर है। मैं कहूंगा बेस्ट विशेष, आप जाइए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कीजिए और अपने एग्जाम को पास कीजिए, क्लियर कीजिए। एक और विकेट लेने में कामयाब रहे हरीम और ये अब देखा जाए कौन सा यहाँ पे बल्लेबाज जाएगा बिना पारा की तरफ से। बल्लेबाज ठीक ठाक क्रिकेट के लिए दोस्त, कोई ऐसा नहीं लगा कि नई नवेलिटिव टीम हो और क्योंकि सामने खंडवारी है, खंडवारी टीम की गेंदबाजी भी अच्छी है, बल्लेबाजी अच्छी है। उम्र आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो हलीम अब तक अपने इस ओवर में सफल रहे हैं। जितनी बाउंड्री उन्हें लगी है वो भी ओवर बाउंड्री छक्का लगा है और आज के बल्ले और गेंद इतने अच्छे हैं कि अगर बल्ले से गेंद हो गई तो वो अक्सर ओवर बाउंड्री हो जाती है। हलीम तैयार फिर तो पहुंचे एक ओवर ऑफ द डिलीवरी और ये ओवर की समाप्ति का ऐलान। 40 बना है, 41 का टारगेट दिया है, 41 बना है, 41 का टारगेट है। छक्के लगाए गए खंडवारी के बल्लेबाज और हर छक्के पर 100 रुपए के नाम आयास तना मोटर धनीपुर दे रहा है। आज मैं एक को ना शेयर किया नहीं भैया नहीं तो सारा कहीं कहीं हो प्रयाग गया कि जल्द से जल्द क्रिकेट पॉइंट पर तरतीब से बल्लेबाज पहुंच जाए, जल्द से जल्द बल्लेबाज पहुंच जाए। दो अभी बहुत मुकाबले खेले जाने हैं, अभी कम से कम 3 मुकाबले खेले जाने हैं। भैया निजामबाद के पास तो कोई अभी मैच नहीं होने वाला है ओपन में, ठीक ठाक वक्त पे मैच चल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 4-5 तक मैच खत्म हो जाएगा, अगर 5 बहुत बजे का 5 आजमगढ़ की टीम की बात कर रहे हैं उमर भाई, तो आजमगढ़ की टीम सिर्फ ACC का मैच खेलती है। उन लोग को जर्क का डर लगता है इसलिए वो टूर्नामेंट नहीं खेलते। मदार तो लगा था, मदारवा तो लगा था ना ही कौन हुआ। ये वाला पंखा हम लोग के लिए ले, ये वाला पंखा हम लोग के लिए ले हमारे ग्राम यहाँ पर बिलाल साहब जबड़ी जो प्रधान सब के प्रत्याशी अपने गांव से अभी इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आजकल फेक आईडी बहुत आ गई है, लाइव देखने के लिए वंदना पांडे और लोग फेक आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं। तो पारी कर रहे दोस्त, कोई स्कोर हो तो आ जाए क्योंकि शिराज घर जाना चाह रहे हैं। अभी बिलाल भाई की वालिदा का फाइनल आज नहीं होगा भाई, इसके बाद नफरत कर रहे हैं तुझे दोस्त के आला मकाम दें। बिलाल साहब आपका शुक्रिया कि आप इस मुकाबले के साथ लाइव के लिए हैं। इकतालीस रन चाहिए 24 के ऊपर। शफीक रफीक लाइट लाइट में काफी है। पांड्या किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। वह सामा बिल्कुल पहुंचे गेंद करेंगे, पहले गेंद उठा दिया इस तक के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अयाज भाई सना मोटर्स यहाँ पर मैच हो रहा है राजापुर सिकराऊ आजमगढ़ में। अरे शाबाश भाई है कि गए नो इनाम दिया जाएगा। वह सामा पांड्या पहले गेंद फिर छक्का लगा कर बता दिया है रफीक, प्यार से आइएगा वरना खेल बिगड़ जाएगा। स्विच हिट कर दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी ये। अरे घुंघरुआ का मामला है भैया, दो लगातार छक्के और गेंद पहुंची है घर में। कह रही है कि वापस स्वाइन है, लेक भाई आप सो रहे हैं, टॉफी भाई आप सो रहे हैं, जरा सा गेंद को देखें।
गेंद वापस कर रहे हैं। दो लगातार छक्का 200 रुपए की इनाम जीता है वसामा पांड्या। सना मोटर्स से मोहम्मदपुर की तरफ से इनाम आ रहा है। सना मोटर्स मोहम्मदपुर और फिर पहाड़ की तरफ गेंद निकली है। यहाँ पर वाइड का इशारा होगा। आजम और हरेरा रास्ते को बड़ा आराम दिया है और हरेरा जो लगातार क्योंकि हरेरा का सौ इनाम मिल गया। हरेरा कहाँ भागेगा इनाम जब तक हरेरा खुलेगा यहाँ पे हम पारी करेंगे। तैयार है और बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक बॉल में किया था। एक जरूर पूरा कर रहे हैं इसी एक ये सर तक पहुंचा है 14 रन 41 के जवाब में। अगला मैच फिर जागापुर जयराजपुर पहुंचा है 15। कौन 15,000 वाले भैया हम रात में तय ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं कौन वीडियो। और किस तरह से मैंने कहा वहां पे गेंद निकली है थर्ड मैन की तरफ निकली है और एक रन और पूरा कर रहे हैं इसी एक रन के साथ इसको जब पहुंचा अब यहां पर। अरे स्कोर 16-41 रन। आफ्ताब कुछ जरूरत तो नहीं है। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव जो दिखा रहा है आसिफ भाई के साथ और ये फिर जो कि स्टिक से बचते हैं वाइड का इशारा होगा। 17 बज चुका है भाई दूसरा ही राउंड शुरू है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाया हूँ। क्या हाल है आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत है। आप देख रहे हैं आप लोग का शुक्रिया लाइव दिखाने के लिए, आप लोग का भी शुक्रिया लाइव देखने के लिए। अल्लाह तौबा अस्तगफार सर बजा नहीं जाएगी। अब घर पे रहेंगे कल फाइनल देके जाएंगे। तैयार हो रहे हैं मैं दिखा हम कौन सा गेंदबाज आएगा। एक बार अठारह रन पांच के दे दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जागापुर यहाँ पर फाइनल खेलने जा रही है? मेरे एक मतलब अपने अंदर से एक वो बता रहा हूँ फीलिंग आ रही है। दो वाइड है ना? अरे यार वो यही पर लग रही है। दो वाइड तो वहाँ नहीं गेम हंजला मैंने कहा 17 रन हुए दोस्तों। तैयार है हंजला के बाद करने के लिए अदनान के दो मसूर किया और ये अदनान बहुत अच्छी गेंद थी जिसमें लगी है। गौरपीति के साथ दौड़ कर पूरा कर रहे हैं। तेज तोड़ दिया गया था लेकिन भाई मैं खुद परदेसी रह चुका हूँ तो इसलिए आप परदेशियों का भली भांति समझ। 200 रुपए के नाम जीत चुके हैं सना मोटर अयाज साहब की तरफ से। धनीपुर से ताल्लुक है लेकिन सना मोटर मशहूर। आपका शुक्रिया खेल में बड़ा अच्छा योगदान भाई। जागापुर पड़ोसी के साथ साथ हरे बॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर वो लोग अपना जो उनका नेचुरल परफॉर्मेंस है हरी बॉल से बहुत अच्छा करते हैं। ये सना मोटर आज साहब लगातार इनाम हर सबके पे दे रहे हैं। तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहानी में पिछले साल वो लोग फाइनल जीते थे। इस साल भी देखिए मंजीर पट्टी में वो लोग फाइनल खेले हैं। मंजीर पट्टी वाले टूर्नामेंट में नाइट टूर्नामेंट में ज्यादा लाइव मुकाबला देख रहे हैं। अब उधर करते हुए मुकाबला लाइव देख रहे हैं और किस मरतबा दूसरा लगातार छक्का स्कोर जब पहुंचा 31-31। कसरन और चाहिए सऊदी आना है तो बताओ भाई आना होगा तो बताना नहीं पड़ेगा। चार छक्के वसामा के बल्ले से आ चुके हैं दोस्त और यहाँ पे मेरे का वीडियो है बिना 12 दबाव में लिखा जा रहा है क्योंकि 40 बनाया 47 का टारगेट। रील बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है वो उमर भाई। आसान तरीका बताऊंगा दिन में आप कर सकते हो आपको उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना। इसके बाद जागापुर का मैच है इसके तुरंत बाद जागापुर वर्सेस जयराजपुर साकिब 11 जयराजपुर के लिए 24 रुपया फिर तो पहुंचे चलेंगे।
और एक रन मिलेगा इसको रुचि एक के साथ जा पहुंचा अब यहाँ पर। नहीं भाई मैं उतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहिए मैच जीतने के लिए, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। के भैया अरे भैया आप लोग तो डायरेक्ट उसी बात पे आ जाते हो, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, निकलो भाई ये सब चीजों से, निकलो ये सब चीजों से भाई। नसीरपुर जयराज मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई, या मेरी जयराजपुर या नसीरपुर से कोई दुश्मनी है, मैं बस एक फीलिंग की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो हर चीज बस उन्हीं चीजों पर उत्तर पश्चिम पे ही लेके जाते हो हमेशा। और साथ ही ये हार जीत का खेल है, वो तो कोई भी यार जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, नो डाउट मेरे भाई। सौ रुपए की नाम और नहीं जाता लेकिन मैच तक हुआ, लेकिन छक्का लगाया ना साहब, 5 छक्के लगाए हैं भाई, 500 रुपए की नाम देंगे तना मोटर्स की तरफ से, ओसामा एंड कंपनी। चलिए मिलते हैं, आज ही खेला जाएगा प्रधान बिल्डिंग साहब, आइए चलिए मिलते हैं अगले मैच में, जागापुर बनाम जयराजपुर भाई, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वो कहीं का भी हो यार, श्रीलंका की भी टीम क्यों ना हो ग्राम सभा की, अगर वो अच्छा खेलेगी वो भी जीतेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी, कोई भी जीते, हमारा काम है लाइव दिखाना, हम लाइव दिखाते हैं, हमको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कोई मतलब नहीं है, हम पाने लिए पूरा आजमगढ़ जौनपुर जहाँ की भी टीम हो यार, हमारे लिए सब टीमें बराबर है, हमेशा खुश रहो, दुनिया को खुश रखो, ये सब चीजों से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ, उसी में आजमगढ़ की क्रिकेट की तरक्की है। ठीक है भाई मिलते हूँ अगले मैच में। ये देखिए रियाज भाई कितनी मेहनत करता है, देखिए नहीं कुछ मिला था किया जी, हारे बहन।